जब भी मैं वचन शेयर करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ, क्योंकि मैं मेरे हीरो यीशु को कॉपी करता हूँ। यीशु मसीह भी वचन बताने से पहले वो एक स्टोरी बताया करते थे, आमेन, कहानी बताया करते थे, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज एक छोटी सी कहानी जो हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कितने लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? आमेन। आप लोग बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छे और मैच्योर लोग हैं। आप लोगों ने फ़ोन को ऑलरेडी वाइब्रेट में, साइलेंट में कर दिया है, मुझे पता है। आमेन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार एक माँ जी जो है, मम्मी जी, अपने एक बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास आए, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके पास लेकर आए और गांधी जी को कहा, उस बेटे की माँ ने, पिताजी आप एक काम कीजिए, ये बच्चा जो है बहुत लड्डू खाता है, कुछ तो भी करके इसको लड्डू खिलाने का, इसको लड्डू खाना इसका बंद हो जाए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि ये लड्डू खाना बंद कर दे। और माँ ने कहा, ये लड्डू खा खा कर पूरी तरह से लड्डू की तरह बन गया है, मैं कैसे तो भी इसका लड्डू से पीछा छोड़ाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कृपा करके इसके लड्डू खाना छोड़ा दे, कैसा तो भी करके। तो गांधी जी ने कहा, प्लीज़ आप कृपा करके 8 से 10 दिन के बाद आइएगा, मैं फिर उसको कोशिश करता हूँ छुड़ाने का। तो 10 दिन के बाद जो है वो माँ अपने बेटे को लेकर आई और गांधी जी के पास, जिसे कहने के मुताबिक उसके पास आई, और गांधी जी ने कुछ उसे कहा और बेटे ने लड्डू खाना छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ खुश हो गई, बोला ये चमत्कार कैसे हुआ? तो माँ ने उनको सवाल किया, अगर 10 दिन पहले ही अगर मैं आती तो मेरे कुछ कम से कम 150 लड्डू बच जाते, आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं छुड़ाया, पहले बोल दिया तो वो लड्डू खाना छोड़ देता था और कुछ वजन उसका कम हो जाता, 10 दिन पहले आपने उसे मना क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी बोले, श्रीमती जी, 10 दिन पहले मैं खुद भी लड्डू खाया करता था, मैंने खुद लड्डू खाना छोड़ा और फिर मैंने बच्चों को कहा, अब आप लड्डू खाना बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे जीवन में भी मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है, इसको अपनाया है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल है, इसके बारे में प्रचार करना बहुत आसान है, इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी है, हजारों शेरो शायरिया कवाली गाने लिखे गए हैं, हजारों प्रचार प्रीचर जो है प्रचार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही मुश्किल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उतना ही आसान हो जाता है जब पवित्र आत्मा की रूह आपके अंदर आ जाती है। आमेन। और चलो उसके पहले और एक बात बताना चाहूंगा, मेरे ऊपर 3 फेवरेट पर्सनैलिटी है, जिसको फादर सन होली स्पिरिट कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसके अलावा ओल्ड टेस्टमेंट में मेरे 3 हीरो है, फेथ के हीरो, मूसा, दाऊद और जोसेफ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तीनों भी इसी के बारे में कहते हैं, और ऊपर जो 3 बैठे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर, वो भी यही कहते हैं। और उसके अलावा आज जो न्यू टेस्टमेंट में भी 3 हीरो है, न्यू टेस्टमेंट में भी स्टीफनुस, पौलुस और पत्रस, ये भी उसी के बारे में कहते हैं। और उसके अलावा 3 और शख्स जो दुनिया में जिंदा है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो मेरे मेंटोर है, उनमें से एक कहते हैं, ये दुनिया में एक ही ऐसा शॉर्टकट है, अगर उसे आप अपनाएंगे तो बहुत तेजी से आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी होगी। हालेलुया। जबकि खुदा के किंगडम में, राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। खुदा खुद 3 साल की सेवकाई के लिए, 3.5 साल की सेवकाई के लिए उसको 30 साल इंतजार करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्यवाणी होने के लिए कई हजारों साल लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता और शॉर्टकट में कभी सेवकाई नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद एक ही ऐसा शॉर्टकट है, जबकि बहुत मुश्किल है, अगर उसको हम अपनाएंगे तो हमारी सेवकाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। शायद आप समझ गए होंगे, वो शॉर्टकट है अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को माफ करना। कोई ताली नहीं बजाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मत्ती का मत्ती रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय उसके 23 और 24 को जल्दी से कोई हम पढ़ेंगे. आमेन. जीसस, क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? कितने लोग आज के बाद शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे? ये शॉर्टकट बहुत लॉन्ग कट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अपना लिए प्रेज द लॉर्ड आपकी जिंदगी आपकी नया पार लग जाएगी. पूरे बाइबल में अगर हम परमेश्वर को प्रेम कहते हैं और उस परमेश्वर से अगर क्षमा को हम निकाल देंगे तो वो प्रेम प्रेम नहीं होगा. परमेश्वर ने हमें क्षमा किया इसलिए उसने हमसे वो हमसे प्रेम करता है, इसके लिए वो हमें क्षमा करता है. उसके अंदर प्रेम है और प्रेम है इसलिए उसके अंदर क्षमा भी है और क्षमा है इसलिए वो हमें क्षमा करता है. प्रेज द लॉर्ड. यस, पढ़िएगा कोई. प्रभु के वचन में यूं लिखा है. हाँ, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अपनी भेंट तू वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, वहां पे तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे. अपनी भेंट को वहीं पे रख दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब आकर अपनी भेंट वेदी पर खुदा को चढ़ाना. प्रेज द लॉर्ड. इसका मतलब यह है, मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा है और कई बार इस वचन को प्रचार भी किया है, खुदा के लिए वेदी से कहीं ज्यादा, गिफ्ट से कहीं ज्यादा, गिफ्ट से भी बड़ा गिफ्ट है कि एक भाई दूसरे भाई को माफ करे, उसको गले लगाए, उसको क्षमा करे. प्रेज द लॉर्ड. जानते हो क्यों? जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बाप होगा या कोई पिता है जिसके घर में 3 या 4 बेटे हैं और उस घर में ऑडी है, बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, बहुत महंगे महंगे वस्त्र है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, सोना से लेकर डायमंड हर चीज है, लेकिन उस घर में मेल मिलाप नहीं है, शांति नहीं है, क्षमा नहीं है, प्यार नहीं है, उस बाप उस घर में उस माँ का उस बाप का दिल कभी भी लगा नहीं रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. उस घर में, प्रेज द लॉर्ड, जब मेल मिलाप आएगा, क्षमा आएगा, प्यार आएगा, तब मां और बाप चैन से सो पाएंगे. हेलो. नई नई शादी हुई थी हमारे मुंबई में एक कलीसिया में, और जब नई नई शादी हुई थी थोड़े दिन तक पति पत्नी में हनी सोनू मोनू डार्लिंग ये सब चलता रहा, और जब तक उस घर में प्यार था, मोहब्बत था, शांति थी, हर सुबह हर रोज कबूतर उस घर के खिड़की के पास आकर बैठा करता था और इस पति पत्नी को बहुत अच्छा लगता था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उस कबूतर को देखते, वो दाना डालते, पानी पिलाते, वो कबूतर रोज उस घर में आता था. उस पूरे बिल्डिंग पे कई मकान थे लेकिन किसी के मकान में वो कबूतर नहीं जाता था, लेकिन ये पति पत्नी जो विश्वासी थे सिर्फ उन्हीं के घर में कबूतर आता था. और महीना, 2 महीना, 6 महीने हो गए, पति पत्नी एक दूसरे से मोहब्बत करते, प्रेयर करते, दुआ करते, और जब तक उस घर में मिलाप था, शांति थी, कबूतर लगातार रोज अपने समय के मुताबिक आया करता था. एक दिन पति पत्नी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ, अनबन हुआ, झगड़ा हुआ, और जैसे ही क्रांति मच गई उस घर में, कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया. हेलो. प्रेज द लॉर्ड. उस घर में, उस मकान में कौन सा भी एशियन पेंट लगा लीजिए, कौन से भी स्टिकर लगा लीजिए, कितने भी बड़े से बड़े महंगी चीज उस घर में आप रखिए, लगाई है, पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा, जब तक उस घर में मेल मिलाप, शांति, प्रभु यीशु मसीह का प्यार नहीं होगा. और जैसे उस घर में क्रांति हो गई, वो कबूतर पवित्र आत्मा उड़ गया. इसलिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा शांति का दूत कहा गया है, अर्थात सहायक कहा गया है. और कबूतर को यानी पवित्र आत्मा को शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया। मेरे लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है शायरी और गाने को और मैसेज को, तीनों चीज को क्या बोलते हैं ना, एक साथ में शेयर करें, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे विश्वास है, जितना भी मैं शेयर करूं, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। फिर ये पति पत्नी ने सोचा, क्यों कबूतर उड़ गया? फिर उनको पता चला, शायद हमारे झगड़े के वजह, शायद नहीं, हमारे झगड़े के वजह से वो कबूतर चला गया। फिर उन्होंने एक दूसरे को क्षमा किया। जल्दी कबूतर नहीं आया, पर वक्त लगा। थोड़े दिन गए, उन्होंने फिर से दुआ करना शुरू की, फिर से मोहब्बत, एक दूसरे को क्षमा करके प्यार करना, दुआ करना, मोहब्बत करना, वचन साथ में पढ़ना उन्होंने शुरू किया। कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से कबूतर आने लगा, यानी पवित्र आत्मा उस घर में आने लगा। हेलो, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात, शायद किसी ने नहीं कही है, गौर से सुनिएगा। मैं 25 साल मुझे सेवका में आ गए, 26 साल चल रहे हैं, मैंने कई किताबें पढ़ी है और पढ़ते पढ़ते एक किताब मेरे हाथ में लगी, जब मुझे यह प्रकाशन मिला, क्यों पवित्र आत्मा को ही, सॉरी, सफेद कबूतर को ही, सफेद कबूतर, काला कबूतर, ग्रे कबूतर नहीं, राइट, ओके, सिर्फ सफेद कबूतर को ही पवित्र आत्मा का सिंबल, चिन्ह दिया गया। सफेद कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, बट उसको एक चिन्ह के रूप में दिया गया है, एक सिंबल के रूप में। क्यों जानते हो? क्यों? हर एक प्राणी में, हर एक पक्षियों में, हर एक जानवर में, हर एक पशु के अंदर एक कड़वा पित्त पाया जाता है। कड़वा पित्त पाया जाता है, और जब किसी पशु को या बकरा हो या कोई भी चीज हो, जब उस पित्त, अगर वो मटन में, उस शरीर में मिल जाए, तो उसको हम खा नहीं सकते, इतना कड़वा होता है। पता नहीं किसी ने आजमाया क्या नहीं, पर सफेद कबूतर में ही वो पित्त नहीं होता है, और इसीलिए ही उसको पवित्र आत्मा का चिन्ह, सिंबल दिया गया है। इसका मतलब, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपके अंदर ये पित्त, ये कड़वाहट, ये जलन, अशमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है, उसके अंदर पित्त, कड़वाहट नहीं होता है, अशमा नहीं होता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका प्रेम पाया जाता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। हेलो, मुझे पता है पास्टर ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई होगी, और रिसेंटली उन्होंने क्षमा के ऊपर बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था, जिसको मैंने फॉलो भी किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसी टॉपिक में और कुछ नई बातें मैं आपको, पवित्र आत्मा आज आपको बताने जा रहा है। कई लोग कहते हैं होली स्पिरिट जनरेशन, होली स्पिरिट की कलीसिया, होली स्पिरिट का ये बहुत सारे नाम दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनके अंदर ये कड़वाहट, ये पित्त, ये अक्षमा पाया जाता है। इसका मतलब होली स्पिरिट का नाम है लेकिन होली स्पिरिट नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब मंगनी होती है और अचानक मंगनी टूट जाती है, मंगनी के दिन एक दूसरे को लड़का लड़की रिंग देते हैं, और जब मंगनी टूट जाती है, रिश्ता तो टूट जाता है लेकिन अंगूठी रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का नाम है, पवित्र आत्मा का सब कुछ तो टैग चल रहा है, लेकिन जिसके अंदर क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, यीशु मसीह का वो वचन, वो कैरेक्टर, वो चरित्र नहीं है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का सिर्फ नाम है, काम नहीं है। आइए आज से पवित्र आत्मा को हम मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मददगार के रूप में दिया गया है कि हम यीशु के समान बने, यीशु के समान चले, यीशु के ना समान हम उसके चरित्र को, कैरेक्टर को दिखाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों वेदी के ऊपर जब लाया गया, उसके गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया गया? पहला कहता है कि जा अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर, मेल मिलाप करने के बाद ही अपने गिफ्ट को मेरे पास लाना।
यानी खुदा के लिए वो ऑफरिंग से बढ़कर, टाइथ से बढ़कर, दशवान से बढ़कर, आपके हर महंगी से गिफ्ट से कहीं ज़्यादा बढ़कर आप किसी को क्षमा करें, प्यार करें, ये खुदा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अगर वाकई में हम खुदा से प्यार करते हैं तो आज वो वक्त है कि हम अपने भाई को, बहन को याद करें और उसे क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने उसको चीप समझा, लेकिन एक दिन खुदा ने उनके भाइयों के सामने उसको चीप मिनिस्टर बना दिया। लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, आमेन, लेकिन प्रभु के नजर में आप सबसे श्रेष्ठ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक दिन, सॉरी, उसके पहले और एक बात बताना चाहूंगा। वो गिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल, भाई तरुण की तरह, तरुणी, राइट, तरुण मेरे लिए 5-star होटल में से मेरे लिए बिरयानी लाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बिरयानी बहुत अच्छी है, लाने वाला इंसान बहुत अच्छा है, बनाने वाला भी बहुत अच्छा है, बिरयानी भी बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिस प्लेट में उन्होंने मुझे बिरयानी दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो प्लेट ऑलरेडी गंदा है, उसमें ऑलरेडी कोई खाया हुआ है या उसमें कचड़ा है, क्या मैं उस बिरयानी को खाऊंगा? प्रॉब्लम बिरयानी का नहीं है, बनाने वाले का नहीं है, देने वाले का नहीं है, प्रॉब्लम प्लेट का है, खाने वाला स्वीकार नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से आप और हम कितना भी महंगी से महंगे, मूल्यवान से मूल्यवान गिफ्ट खुदा को देंगे, लेकिन ये हार्ट, ये प्लेट जो खुदा को हम देते हैं, अगर वो साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वो हमारे गिफ्ट को स्वीकार नहीं करेगा। हेलो, हालेलुया। किसी ने कहा है, इंसान की आदत है बार बार लगातार पाप करना, गुनाह करना, खुदा की आदत है बार बार लगातार माफ करना, प्यार करना, उसको गले लगाना। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं जहां भी जाता हूं, हमने ही हमारे खुदा को नहीं देखा है तो लोग क्या देखेंगे। बट बेटे के कैरेक्टर को देखकर पता चलता है कि उसका पिता कैसा, उसका बाप कैसा है। हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे मोहब्बत दिखाने से लोगों को पता होना चाहिए और बोलना चाहिए, अगर ये अजय चव्हाण इतना अच्छा है तो इसका बाप यीशु मसीह कितना अच्छा होगा। हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अवार्ड, बहुत सारे ट्रॉफियां मुझे मिली है। 18 अगस्त को कुछ सिंगरों के साथ मुझे और एक अवार्ड मिलने जा रहा है, लेकिन ये वो सारे अवार्ड उस रिवॉर्ड के सामने, उस अवार्ड के सामने सारे फीके पड़ जाते हैं जिस दिन यीशु ये कह दे, जैसे पिता ने यीशु के लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अगर वही लफ्ज अगर खुदा आपके लिए, मेरे लिए कह दे, तो ये फिल्म फेयर अवार्ड से, ऑस्कर से, बॉलीवुड, हॉलीवुड, दुनिया के सारे अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा अवार्ड होगा। यह भारत रत्न से भी बड़ा होगा, यह खेल रत्न से भी बड़ा होगा, यह पद्मश्री अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड होगा, अगर खुदा यह कह दे कि यह मेरा बेटा, मेरी बेटी जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो प्रभु दया कर। मैं कुछ ना कुछ नया लिखते रहता हूँ, टैगलाइन। हीरोपंती आपको शायद पता है, लेकिन आज मैं मसीहपंती के बारे में बताना चाहूँगा। हीरोपंती ये कहती है कि विलन को मार दे, खत्म कर दे, पिक्चर हिट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हीरोपंती का मतलब यह है कि विलन को एक दिन मार कर खत्म कर दे, लेकिन मसीहपंती यह है कि विलन को मारे नहीं, उसको गले लगाए, उसको क्षमा करे, और उस विलन को भी एक दिन क्षमा करके हीरो बनाए, इसे ही मसीहपंती कहते हैं। वो हीरो अगर चाहता तो एक सेकेंड में खत्म करता, एक सेकेंड में हमको खत्म करता, बट उन्होंने हमें खत्म नहीं किया,
बल्कि हमें गले लगाया, हमें माफ किया। मेरी शक्ल को देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं जब प्रभु में नहीं था मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। जिस माँ को मैं रानी की तरह रखता था उसको एक दिन मैं बहुत बेरहमी से पीटता था, और जब कोविड में उनकी मेमोरी चली गई तो मैंने अपने हाथों से उसको नहलाता था, उनको कपड़े पहनाता था और मैंने सेवा की। प्रेज द लॉर्ड। ये अलग टॉपिक है, ज़्यादा बोलूँगा तो मैं इमोशनल हो जाऊँगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। प्रभु ने मुझे मौका दिया, जब हम बच्चे थे हमारी माँ हमें नहलाती, हमारी गंदगी को साफ करती थी, तो जब वही माँ बूढ़ी हो जाती तो हम क्यों नहीं बच्चे की तरह उसे देखभाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है, जिस हाथों से मैं अपनी माँ को मारता था, प्रभु इस जीवन में आने के बाद मैं अपनी माँ से प्यार करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी झुकना नहीं चाहता है, आज कोई भी झुकना नहीं चाहता जाता है। जानते हो क्यों? ब्रदर आप आएंगे, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, छोटे से छोटा बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, कोई भी, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, कोई भी झुकना नहीं चाहता है। जानते हो क्यों? थोड़ा मुड़ जाए। अगर ये झुकना चाहता है लेकिन फिर भी झुक नहीं सकता, क्योंकि पीछे से इनके लेवल को डेवल ने पकड़ रखा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये झुकना भी चाहे तो इनके लेवल को डेवल ने पकड़ रखा है। डीएनए से, खून से बाप का नेचर बेटे के अंदर जाता है। अगर हमारा बाप क्षमा करता था, प्यार करता था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहूदा इस्करियोत के बारे में, यीशु मसीह को मालूम था कि वो बेचने वाला है, उसको धोखा देने वाला है, लेकिन उसके साथ 3.5 साल सेवका की, आखिर तक कभी नहीं बोला तू धोखेबाज है, तू गद्दार है, कभी नहीं कहा, उसको गले लगाया, उसको माफ किया। अगर यीशु का खून हमारे अंदर है तो उसका नेचर भी हमारे अंदर आना चाहिए, हमको माफ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। शायद दुनिया आपको मूर्ख कहे, बेवकूफ कहे, लेकिन ऊपर से खुदा कहेगा, शबाश मेरे बेटे, शबाश मेरी बेटी, तूने शैतान को हरा कर मुझे फिर से जिताया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी दो बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। दाऊद के बारे में हर कोई पढ़ा होगा, हर कोई सुना होगा, हर कोई प्रीच करता है, बट कभी किसी ने सोचा है दाऊद के वक्त, उस वक्त कानून ये था, दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, जीवन के बदले जीवन। उस वक्त जब साहुल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको 2 बार मौका मिला दाऊद को खत्म करने का, लेकिन उसने खत्म नहीं किया। और उसने यही कहा, खुदा का ये अभिषेक है, जबकि उसके अंदर दुष्टात्मा आ चुकी थी, जबकि वो पाप से घिरा हुआ था। लगभग 10 साल उसने दाऊद को मारने के लिए उसने बर्बाद कर दिए। कौन? साउल। पूरी जिंदगी, मतलब पूरा 10 साल उसने बर्बाद कर दिए दाऊद को खत्म करने में, बल्कि दाऊद का इसमें कोई गुनाह नहीं था। लेकिन दाऊद को जब 2 बार मौका मिला, उसने हाथ नहीं लगाया, उसने कहा कि खुदा ही इनका न्याय करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी खत्म कर ये गाना गाकर इस मैसेज को एंड करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जानते हो, दाऊद ने साउल के अंदर अपने खुदा को देखा, और खतरनाक कानून में, खतरनाक लॉ में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह लेकर आया। आमेन। उस वक्त कानून उसके फेवर में था, खुदा उसके फेवर में था, उसके सैनिक उसके फेवर में था, यहां तक कि जोनातन भी उसके फेवर में था। जो तुझे करना है तो कर। हेलो, सारी दुनिया उसके फेवर में थी, और एक सेकंड में वो खत्म कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया।
कानून के वक्त यीशु मसीह आने के पहले यीशु का चरित्र, यीशु का कैरेक्टर उसको दिखाया गया, इसलिए यीशु मसीह ने भी किसी और का संतान नहीं कहलाया, दाऊद का संतान कहलाया, क्योंकि दाऊद का हृदय खुदा के प्रति, खुदा के समान था। प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, अगर दाऊद खतरनाक कानून के समय में अनुग्रह दिखा सकता है, तो हम पहले से ही अनुग्रह के समय में है, हमको और कितना अनुग्रह हमारे भाई बहन को दिखाना चाहिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं एक वर्शिपर हूं, मुझे जो कहना है, जो मैं कहता हूं, मुझे वो करना भी जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है उपदेशक दो गुना आदर के योग्य है। अगर उपदेशक कोई गलती करता है तो डबल अकाउंटेबिलिटी के भी योग्य है, कानून पहला उसके ऊपर लाया जाएगा। ये कुछ बात मैंने पास्टर से पिछले दफा मैंने शेयर किया था। तीन बड़े खतरनाक विलन मेरे जिंदगी में आए। चलो एक टैगलाइन कहना चाहूंगा, कितने लोग हीरो बनना चाहते हैं? विलन बनना है आप लोगों को? मैंने कहा कितने लोगों को हीरो बनना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। आप जब तक हीरो नहीं बन सकते जब तक आपकी जिंदगी में कोई विलन ना हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई विलन आ रहा है आपकी जिंदगी में तो प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु मुझे हीरो बना रहा है, प्रभु यीशु मसीह का हीरो, साइड हीरो, ओके, आमेन। अब ध्यान से सुनिए, मेरे जिंदगी के सबसे तीन खतरनाक 25 साल के जीवन में आए। अब शॉर्ट में बताकर खत्म करता हूं। ये सबसे बड़ा अब तक का बड़ा लेवल का डेवल था, क्योंकि हर लेवल पे एक डेवल मिलता है, उस डेवल को हरा कर दूसरे लेवल में हमको पहुंचना होता है। इसने मुझे कहा मीटिंग करेंगे, ये यू नो क्या बोलते हैं, ये रियल स्टेट में काम करते हैं। बहुत कुछ मुझे दिखाया, बहुत कुछ मुझे बताया, बाइबल ये वो ऐसा दिखाता था मानो स्वर्गदूत भी उसके सामने फेल हो गया। ये जेल मिनिस्ट्री के लिए मुझे सपोर्ट करता था, मेरे मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भेड़ के रूप में इतना बड़ा भेड़िया है, बाद में पता चला। तो लगभग जो मुंबई में हम एक फ्लैट खरीद सकते हैं उतना पैसा उसने धोखे से मुझसे ले लिया। लगभग 5 साल हो गए प्रोग्राम बंद, कोविड के दौरान मेरी माँ सीरियस थी, मेरा बेटा बेड पे था, मैं भी 3 महीने सीरियस पे बेड पे था, और मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ उस वक्त लगभग 17-18 लाख में से मैंने सिर्फ 2 लाख रुपया मांगा, मेरी मम्मी बीमार पे है, मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, प्लीज 2 लाख रुपया दे दे, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने मकान हैं, इतने स्टाफ है, इतने ब्रांचेस है, उसके लिए 2 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं दिया। फाइनली मेरी माँ प्रभु के पास चली गए। मुझे 25 साल के दरमियान सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी बुरी बात मुझे ये लगी कि मेरी माँ चली गई, और लगभग 4 साल लगे मुझे उसमें से निकलने के लिए। प्रार्थना करने नहीं होता था, आराधना करने नहीं होता था, बाइबल पढ़ता था, नींद नहीं है, पैसा तो गया, सेहत जा रही थी, समय नहीं, शांति नहीं था, बहुत कुछ था। और एक दिन प्रभु कहता है, उसके गुनाह की सजा मुझे क्यों दे रहा है? मैंने कहा प्रभु क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए, अगर तू वाकई में मेरा वर्शिपर है, मेरा दास है, तो उसको क्षमा क्यों नहीं करता जैसे मैंने तुझे क्षमा किया है? आमेन। छोटी छोटी भूले जला देती है, बुझा देती है जन्नत की चूल्हे, आमेन। तो प्रभु ने कहा अगर तू वाकई में मेरा बेटा है, तेरे रगों में मेरा खून है, तो उसको माफ कर। हेलो। और प्रभु ने कहा और मैंने माफ किया, और ये बात आपसे भी शेयर की, हर सुबह उठकर रात को मैं उसको आशीष देता हूँ, मैं उसको आशीष देता हूँ, मैं आशीष देता हूँ। जानते हो प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ, वो आज भी भीख मांगता है, लेकिन प्रभु ने कुछ ही महीने में मेरी परिस्थिति बदल दी। मेरी परिस्थिति बदल दी। मैं ये बात कहकर, ये गाना गाकर ख़त्म करता हूँ। सबसे बड़ा गरीब इंसान अगर इस दुनिया में कोई है जो खुदा के नाम से नए लोगों को लूटता है, भरमाता है, उनके विश्वास का शोषण करता है, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा जिसको मुंबई की भाषा में हम कहते हैं, अगर कोई भिखारी अगर कोई है, तो वो शख्स होगा जो किसी ने कहा है कि खुदा हमको इस्तेमाल करना चाहिए हमारे फायदे के लिए, खुदा को उसके कलाम को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ये वेदी पर मैं कह रहा हूँ, खुदा ने कई बार मुझे इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने उसके नाम को अपने फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आमेन, हालेलुया। और जिस दिन मैंने उसे क्षमा किया, मैंने घोड़ा बेचकर मैं सोने लगा। हम बच्चे हैं, हम जिंदा, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है। इस कोरोना के वक्त में हम जिंदा है, ये उसकी दया, उसकी करुणा है। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। आप यहाँ से जाने से पहले अगर वाकई में खुदा को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आज उस भाई को, उस बहन को कॉल करें, बुके लेके जाए और खुदा को, उसे माफ़ करके खुदा को सबसे बेस्ट गिफ्ट दे। गॉड ब्लेस यू।